आज सोमवार है, भोलेनाथ सब की कृपा करें। और मैं अभी जा रहा हूँ मयूरभंज, यानी कि दूसरा जिला जो सटा हुआ है, केउंझर से सटा हुआ जिला है। वहाँ कीचकेश्वरी मंदिर जानते हैं आप लोग, बहुत फेमस है। तो अभी मैं जा रहा हूँ केउंझर से मयूरभंज, और उसके रास्ते में जो भी आएगा, जैसे शैवपीठ या शक्तिपीठ, बीच में जो भी मंदिर आएगा, आज बहुत पवित्र दिन है, दिवस है, जैसे कि आज सोमवार है, भोलेनाथ जी का दिन है, और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, सभी शैवपीठ में भोलेनाथ जी का जलाभिषेक हो रहा है, तो मैं उसको कवरेज करते हुए जाऊंगा और आप लोगों को मैं दर्शन कराते हुए जाऊंगा, चाहे वो मंदिर बंद हो या फिर खुला। देख रहे हैं बारिश बहुत ज्यादा है, मेरा हेलमेट फेलमेट सब भीगे बहुत ज्यादा, आसमान भी बहुत बादल है और बहुत ज्यादा बारिश हुआ है। देख रहे हैं मेरे सामने एक मंदिर है, और अभी वही केउंझर में हूँ, और ये एनएच है, देख रहे हैं गाड़ी सब जा रहा है, और चलते हैं। ये बहुत बड़ा चट्टान है, चट्टान के ऊपर एक मंदिर है, देखिए चलते हैं क्या मंदिर है, देखते हैं। आज तो वैसे भी सोमवार है, मैं आशा करता हूँ कि आज दर्शन हो जाएगा भोलेनाथ जी का, और अगर नहीं भी होता तो मैं जरूर आप लोगों को भोलेनाथ जी का दर्शन कराऊंगा। देख रहे हैं विराट विराट चट्टान है, बहुत बड़ा बड़ा वो भी एक मंदिर है, और मुझे लग रहा है ये हनुमान जी का झंडा है, मतलब ये हनुमान जी का ही एक मूर्ति होगा शायद। चलते हैं देखते हैं, बहुत ऊंचा चढ़ाई चढ़ना पड़ रहा है, चढ़ाई एक तो है। यहाँ से नजारा पूरा क्लियर है, देख रहे हैं ये एनएच है, यहाँ थोड़ा बॉडी बिल्डिंग के लिए शायद है, ये है देख रहे हैं, तो डंबल है शायद, हाथ में बनाया गया, इसको उठाना भी शायद बहुत, कितना वजन है। अभी चलते हैं फिर चट्टान से उतरते हुए चोटी में, शिव जी का मंदिर है, देख रहे हैं, और आगे निकलते हैं अभी क्या क्या है। ये भी बंद है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं हनुमान जी की ओर, झंडा तो लगा हुआ है, स्टैचू लगा हुआ है, जय बजरंग बली, मनोज अवंग मारुत तुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धि मतांग वारिष्ठम वातात्म जंग वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूत चरणम प्रपद्य। हनुमान जी का मन स्टेचू है, वो तो यह झंडा है, आसमान को छूते हुए लहरता हुआ, और ये प्रभु जी का स्टैचू बहुत ही सुंदर काला पत्थर में हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। यह हो गया आपका हनुमान जी का मंदिर, वो शायद मुझे लग रहा है वो किसी दुर्गा देवी का या फिर कुछ शक्तिपीठ है, और दूसरा साहिब पीठ, एक ही साथ में चट्टान के ऊपर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही
संतुष्टि मिला मुझे आकर के। फिर आगे चलते हैं, फिर मिलेंगे, अभी चलते हैं फिर आगे क्या है और क्या क्या मंदिर है। बहुत धीरे से चलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पानी के चलते स्लिपरी है, बहुत ज्यादा देख रहे हैं, चट्टान है, पानी जमा हुआ है, मेरा बाइक उधर है। फिर आगे निकलते हैं। लेकिन ये अभी समय हो गया है, कितना 5 बजने वाला है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको दर्शन के लिए, फिर मैं जा रहा हूँ। थैंक यू, फिर आगे मिलते हैं। ये देख रहे हैं बैतरणी जो नदी है, और ये केंदुझर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया है, और ये बहुत पावन नदी है, देख रहे हैं, और बड़ा नदी है किनारे में। और यहाँ से जो कावड़ी जो यहाँ से श्रद्धालु पानी लेकर के मयूरभंज और केंदुझर का हर एक शैवपीठ को जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए भोलेनाथ का। ये देख रहे हैं बहुत बड़ा नदी है, और इसमें हाल ही में एक ब्रिज भी बनाया गया है, डबल वे है, और इसको बहुत पवित्र माना गया है क्योंकि किसी का अगर देहांत होता है तो उसका अस्थि सब विसर्जन यहाँ करते हैं, उसका आत्मजन। और बहुत ही अच्छा वातावरण भी यहाँ पर है, देख रहे हैं दूर में मछली मार रहे हैं ये जो कुछ आदमी हैं। मछली भी पकड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अभी केंदुझर डिस्ट्रिक्ट को बाय बाय करते हुए हम मयूरभंज, इस जो नदी खत्म होने के बाद ही मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है, तो चलते हैं वहाँ क्या मंदिर है, और लास्ट में हम लोग जाएंगे खिचिंग जो बहुत फेमस है हम लोगों का, सुकुली ब्लॉक में पड़ता है, और बहुत ही बढ़िया है, और मैं वहाँ जरूर मैं दर्शन कराऊंगा। ठीक, चलते हैं आगे, चलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग दाखिल हो गए मयूरभंज में डिस्ट्रिक्ट में, और हम लोग जाएंगे बायां साइड को जाना होगा और सीधे जसीपुर है, ये NH है, और हम लोग जाएंगे खिची। ठीक है, इंतजार खत्म, और अब हम पहुंच गए खिची। ये देख रहे हैं सामने मंदिर है जो मयूरभंज का अधिष्ठात्री देवी माँ खिचकेश्वरी का पीठ है, बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है सारा भारत में। देख रहे हैं ये है मुख्य द्वार है सामने वाला, फिर देख रहे हैं अंदर है मंदिर, ये मुख्य द्वार है माँ खिचकेश्वरी की। अब देख रहे हैं बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं खिचिंग, और अभी मंदिर खुला हुआ है, और केंदुझर से जो जर्नी रहा है बहुत अच्छा सुखद रहा है, और मैं प्रयास किया है कि सभी मंदिर दर्शन करवाने के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे माँ खिचकेश्वरी का टेंपल, जो देख रहे हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत सारा बोलबम वाला भक्त जो होते हैं वो आ रहे हैं। शैवपीठ भी एक साइड में है, मुख्यतः ये माँ खिचकेश्वरी का मंदिर है, शक्तिपीठ है, और साइड में एक तो लोहा है जो माना जाता है कि जो पांडव और कौरव के बीच में जो महायुद्ध हुआ था उससे पहले जो वनवास हुआ था उसमें पांडव आकर के यहाँ कुछ दिन रुके थे, और उसी के दौरान ये लोहा भीम का लोहा है, मैं उसको भी दिखाना चाहूंगा। तो अभी जा रहे हैं,
और माँ का दर्शन भी करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है कि रेस्ट्रिक्शन यह है कि माता का जो मूर्ति का कोई फोटो खींच नहीं सकता या वीडियो नहीं कर सकता, इसलिए मैं दूर से थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। यह है माँ का, दूर से थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है और इससे ही दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है, देख रहे हैं, और इसका कलाकृति भी बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर तरीक़ा से यह बनाया गया है। माँ कीचकेश्वरी टेम्पल है। ये देख रहे हैं भीम का लोहा जो टुकड़ा था, उसको अभी यहाँ का रिवाज है या प्रथा बोला जा सकता है कि इसको 5 बार घुमाना है। हमारा भैया अभी घुमा रहे हैं और आए हैं यहाँ दूर दूराम से जो श्रद्धालु यहाँ पर, ये यह नीचे गिरा दिए, देख रहे हैं। अभी मैं गेट का बाहर निकल रहा हूँ और आपको ये जो केवंझर से मयूरभंज तक का सफर रहा, ये मंदिर मैं कोशिश किया आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए, लेकिन समय थोड़ा ऐसा था कि मंदिर सब बंद था कुछ, तो इसलिए मैं दुखित हूँ। और मैं आशा करूँगा फिर अगले बार जहाँ भी जाऊँगा आप लोगों के लिए सभी जो हिंदू धर्म का अगर कहीं भी मंदिर है या जो कुछ भी है, मैं जरूर आपके सामने रखूंगा उस मंदिर को और आपको दर्शन कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं खिचिंग से अभी निकल रहा हूँ और मैं अभी घर को रवाना होऊंगा। यहाँ गेट है, मैं अभी निकल रहा हूँ। जैसे यह था मंदिर था और अभी मैं गेट से निकल रहा हूँ। ये बहुत फेमस मंदिर है, इसका बहुत पुराना इतिहास है और देख रहे हैं। यहाँ दीवार में कुछ लिखा गया है मंदिर के बारे में, जैसे यार ऑफ कंस्ट्रक्शन, यार ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, और हाइट ऑफ द टेंपल 100 फीट है। बहुत सारा जानकारी दिया गया है
कुछ उड़िया में भी लिखा गया है। यहाँ बहुत सारा स्टेशनरी का दुकान भी लगा हुआ है। हालिया अगर आज का बात करते हैं तो सोमवार है, फिर भी जो श्रद्धालु हैं वो पहले से सुबह ही जो अपना जलाभिषेक करके चले गए हैं, और अभी कुछ हल्का फुल्का है जो अभी आ रहा है इधर उधर से। ये मेन गेट दूर में दिखाई दे रहा है, अब इधर से उधर से हम लोग निकलेंगे। और अभी शाम का हो गया, कितना 6 बज गया है, और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्ते, नमस्कार।